झाबुआ जिले में आस्था पर विश्वास का एक मामला सामने आया, जहां जनपद पंचायत पेटलावद की ग्राम पंचायत करवड़ से नव निर्वाचित सरपंच अपने परिवार और मित्रों के साथ मन्नत उतारने के लिए उज्जैन पैदल निकल पड़े। नव निर्वाचित सरपंच विकास गामड़ पैदल चलकर बाबा महाकाल के दर्शन कर अपनी मन्नत उतारेंगे। इस दौरान सभी बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। झाबुआ जिले के करवड़ ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच की भगवान महाकाल के प्रति आस्था देखने को मिली। दरअसल जनपद पेटलावद की ग्राम पंचायत करवड़ में सरपंच पद के प्रत्याशी विकास गामड़ ने मन्नत मानी थी कि अगर मैं चुनाव में जीतता हूं और सरपंच बनता हूं तो करवड़ से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए पैदल जाऊंगा। विकास गामड़ की चुनाव में भारी मतों से जीत होने पर नव निर्वाचित सरपंच अपने परिवार और समर्थकों के साथ करवड़ से उज्जैन पैदल बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए निकल पड़े। सरपंच विकास गामड़ के साथ उनकी पत्नी, परिजन और 15 समर्थक आज सुबह बाबा के दर्शनों के लिए उज्जैन के लिए निकले। 120 किलोमीटर की ये यात्रा 2 से 3 दिन में पूरी होगी। इस दौरान सभी बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। आज हम गांव करवड़ से हमारे घर से मिसेस, भाभी, पूरा परिवार और मोहल्ले के महिला और अन्य साथी मेरे साथ पैदल यात्रा चल रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी मिसेस ने घर से मन्नत ली थी कि बाबा महाकाल पैदल जाकर हम अपनी मन्नत को पूर्ण करेंगे। इसी लिए हम भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, चाहे कोई सा भी धर्म हो, मन में अगर विश्वास हो तो सब कार्य सफल होते हैं। इसी आशा को लेकर हम पैदल यात्रा शुभारंभ की है। कुल मिलाकर नव निर्वाचित सरपंच विकास गामड़ की भगवान महाकाल के प्रति आस्था देखकर सभी लोगों द्वारा उनकी सराहना की जा रही है, तो वहीं यात्रा के दौरान परिजन और समर्थकों में उत्साह भी देखा जा रहा है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।